वेलकम टू श्री केवी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 10th संस्कृत। इस बार आपको पता है कि संस्कृत इंग्लिश में आने वाला है जो पहले गुजराती में आता था। आपको पता है कि यार हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही लिखते हो, अगर गुजराती लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी तो इस बार आपको इंग्लिश लिखने में, संस्कृत इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पेपर स्टाइल है इंग्लिश की, संस्कृत के पेपर की। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ, फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन एम ए 2, 5, 6, 9, 12, 17। ये जो चैप्टर है उसमें से पहले आएगा ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ का आपको ट्रांसलेशन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, जो क्वेश्चन है पहले गुजराती में पूछे थे अब वो आएगी इंग्लिश में, वो है 4 मार्क्स का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, जो संस्कृत जो क्वेश्चन है उसको आपको संस्कृत में लिखने का है, वो है 2 मार्क्स का। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत आफ्टर रीडिंग अबो गिवन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ देंगे उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने के हैं, वो है 2 मार्क्स के, ये 4 मार्क्स के। शॉर्ट नोट इन इंग्लिश, शॉर्ट नोट आएगी 2 मार्क्स की, इंग्लिश में लिखनी है। फिर आएगा सेक्शन बी, चैप्टर 1, 3, 7, 10, 13, 16, 18 और 20, वो है श्लोक, ट्रांसलेशन ऑफ श्लोक, आपको श्लोक का ट्रांसलेशन करना है, वो है 4 मार्क्स का आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, जो आंसर आपको इंग्लिश में देने हैं वो 6 मार्क्स की। कंप्लीट द श्लोक, श्लोक आपको कंप्लीट करना है 4 मार्क्स का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, संस्कृत में आपको आंसर देने हैं वो 2 मार्क्स का। सेक्शन सी, दिस सेक्शन इज सेम सेक्शन ए, ए के जैसा ही है सेक्शन सी है, वो है ड्रामा। सेक्शन सी ड्रामा में चैप्टर 4, 8, 11, 14 और 19 जो नाटक होते हैं उसमें ए के जैसा ही है, जैसे ही है ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर संस्कृत में क्वेश्चन आंसर वही आपको सेक्शन सी में आएगा। फिर दूसरा है हु सेड हुम, किसने किससे कहा, वो 2 मार्क्स का। मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक वर्ड्स देंगे उसका आपको सेंटेंस बनाना है, वो आएगा 2 मार्क्स का। सेक्शन डी, जो ग्रामर आता है हमारे संस्कृत का, इट्स कंटेन डिफरेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर लाइक, ग्रामर में टेंस, समास, संधि जोड़ो या छोड़ो, क्रूदन एंड एनिमल और थोड़ा ज़्यादा इससे भी। और सेक्शन सी, अरेंज सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्टोरी, कि जो हमारे लेसन का जो लेसन होता है उसको अरेंज करना है, क्रम पाठ में उसको बिठाना है, तो वो अकॉर्डिंग स्टोरी सेंटेंस को अरेंज करना है, वो आएगा 4 मार्क्स का। मैच लेसन विद इट्स राइटर, जो लेसन का राइटर होता है उसको मैच करना है सामने। इम्प्रूव अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीड राइट पैराग्राफ, इम्प्रूव तो आपको इम्प्रूव करना है पैराग्राफ को और वापस से उसको लिखना है, 3 मार्क्स। रीड पैराग्राफ एंड रीड पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग इन क्वेश्चन, पैराग्राफ रीड करके वापस आपको आंसर लिखने हैं, वो 4 मार्क्स के। ट्रांसलेट एंड एक्सपैंड फॉलोइंग वर्सेस, मतलब श्लोक, जो भी कोई श्लोक देंगे उस श्लोक का आपको अर्थ विस्तार करना है।